नमस्ते। और सबको नवरात्रि का नवा दिन पूरा हो चुका है। सब लोगों ने अपने अपने घर में जिन जिन्होंने भी व्रत रखा होगा, कन्या भी मतलब खाना भी खिलाया होगा कन्याओं को, तो सबका हो गया होगा। तो अब आते हैं हम पैक के बारे में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आरविदेव शर्मा। अब यहाँ पर हमारा जो पैक के लिए मैंने बताया था कि इसको हमें 1 महीने के लिए भिजो कर रखना है और 1 महीने हमें इस्तेमाल करना है, जिनके पास पाउडर नहीं है तो ठीक है, और पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ें आप लोगों को पहले की वीडियो में बता दी थी। अभी यहाँ पर आता है कि हमें इस पैक को बनाना कैसे, लगाना कैसे, भिजे हुए पैक को इस्तेमाल कैसे करना है, किस क्वांटिटी में करना है, किस तरीके से करना है, ताकि हमारी जो हेयर की ग्रोथ है और जो हेयर फॉल है उसे रोक सकें और हेयर ग्रोथ को स्टार्ट कर सकें और बालों को लॉन्ग कर सकें। ठीक है, थिक तो एक साथ में लॉन्ग नहीं होता, ना एक साथ में थिक होता है, तो धीरे 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 ही करके होता है, अपन टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम पैक के बारे में। ठीक है, तो पैक देख लीजिए भीजने के बाद में कैसा हो चुका है। ठीक है, इसमें मैं पानी डाल के रखती हूँ, पानी को कभी सूखने नहीं देना है आपको। ठीक है, जिनकी लेंथ अगर कम है बालों की तो वो 2 ही चम्मच लें और चीज़ें इसमें ऐड करें। ठीक है, 2 से 3 चम्मच ही लें, ज़्यादा ना लें। ओके, और अगर बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप 4 से 5 चम्मच ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कम से कम 4 से 5 चम्मच के समथिंग लूँगी। और आप चाहें तो इसमें आप एक काम भी कर सकते हैं, जैसे आप इसे भिजोकर रखते हैं तो इसका जो मतलब पानी होता है वो गाढ़ा गाढ़ा थिक हो जाता है, तो आप उसको भी लेके पैक लगा सकते हो। मतलब पैक उसमें आप दही मिलाएं, मतलब मेहंदी मिलाएं, या कलौंजी पीस के मिला लीजिए, पाउडर बना के रख लीजिए कलौंजी का, उसको पीस के रख लीजिए और नाइट में भिजो कर रख दीजिए। ठीक है, और जो पाउडर है आपके पास में वो मिला सकते हैं। सनक कुछ भी पाउडर इसमें नहीं मिलाना, आप बस ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ। और जो पाउडर है आप लोग ऐड कर सकते हैं, और मेहंदी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें बबुल पाउडर ऐड कर सकते हैं, जो पाउडर आपके पास में आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया है। और अगर आपको ऐसे लगता है कि हमारा पैक हमें ज़्यादा बनाना है तो आप ये पानी की क्वांटिटी ले सकते हैं। पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसी में आपको पीसना है, इसी पानी में। ठीक है, दूसरा पानी नहीं लेना, तो इसलिए आप ज़्यादा ही भिजो कर रखना। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं बहेड़ा पाउडर। ठीक है, और हमारा जो पहले का पाउडर था वो बहुत सौ के पास में नहीं है, तो मैं ये वाला ले रही हूँ। अगर आप लोगों के पास में ये है तो आप लोग इसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी आपको कम से कम 2 चम्मच लेनी है। ठीक है, ये मत बोलना कि दीदी दिखाई नहीं दिया। अब मैंने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है आपको, और ये भी बताया कि कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है। ठीक है, तो आप 1 से 2 चम्मच आप इसमें आराम से ले सकते हो। ठीक है, देख लीजिए, ऐसे मिक्स कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारा पेस्ट थोड़ा सा हमें गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाएगा, तो आप इसमें पीसेगा नहीं, तो आप इसमें इसी का ही पानी डाल अंदर मतलब इसी का ही पानी डालकर पीस लीजिए। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखिए, फिर से इसमें पानी डालकर आपको ऐसे ही रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पीस रही हूँ, तो पीसने मैं क्या पीस रही हूँ, वो पीस रहे हैं आज संडे था ना, तो वो घर पे ही थे, तो वो बोल रहे हैं कि मैं पिसवा देता हूँ चल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो वही पीस रहे हैं। देखो अभी पीसते पीसते ये गाढ़ा होता जाएगा, अभी पिसा नहीं है, अभी है इसमें मोटा मोटा दाना। मैं इतने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आप लोग रूटीन फॉलो करोगे ना तो हकीकत में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और यार विश्वास करो, विश्वास के ऊपर ही दुनिया टिकी हुई है यार, तो विश्वास करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। पूछने से ज़्यादा फॉलो करिए, और फॉलो करोगे तभी रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और रिजल्ट भी कम से कम 1 महीने या 2 महीने के अंदर ही आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट कर देगा। वैसे तो 2 से 3 बार में ही आप ऐसे बोलोगे कि हाँ दीदी फ़र्क दिखा है, हमें अच्छा बाल हुआ है, पर ग्रोथ स्टार्ट भी
तभी होती है जब हम रेगुलर किसी चीज़ को करते हैं, क्योंकि एक बार अगर हमारी ग्रोथ रुक चुकी है तो धीरे धीरे स्टार्ट होती है। अभी थोड़ा थिक है ये, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के पीसना है। अगर आपको लगता है कि ये अभी भी गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर फिर से इसे पीस सकते हो। आपको इतना बारीक पीसना है इसको, ठीक है, ओके। और अब यहाँ पर देख लीजिए लगाना कैसे है। मैं सो के उठी थी, मतलब सुबह मॉर्निंग में वैसे हेयर वॉश कर लिया था, और फिर जो अपना रिंस वाटर है, मैंने बताया आपको इसी में से हमें रिंस वाटर करना है, तो वो कर लिया, फिर सो गई थी। अब सोने के बाद में ये पैक लगा रही हूँ। और आपको अपने जो बालों की स्कैल्प है उसमें अच्छे से लगाना है, और हाथों से लगाना, आप लोग चाहें तो ब्रश वगैरह से भी लगा सकते हैं। मेरे बाल ये आगे से जो कर्ली हो जाते हैं, ये जूड़ा बना के सो जाती हूँ मैं, ऐसे कैसे और खोल नहीं पाती हूँ जूड़े को, नींद आ जाती है तो फिर ऐसे कैसे ही बाल हो जाते हैं। लगाना है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसमें मेहंदी भी मिला सकते हैं, और जो पाउडर आपके पास रखे हुए हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। दो तीन पाउडरों को छोड़ के, जैसे सनक पुष्प भी हुआ, ऐसे जो पाउडर है उनको छोड़ करके आप जो भी पाउडर हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हो इस पैक में, ठीक है। इस पैक को आपको 2 घंटे के लिए रखना है बालों में अच्छे से। लगाने के बाद में आपका बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब धोने के बाद में। लगाने के टाइम पे जरूर टाइट रहेगा आपका बाल, पर आप इसे प्रॉपर 2 घंटे के लिए रखना तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपके बालों के लिए। और और 2 घंटे के लिए आपको इसे लगाकर रखना है, और 2 घंटे के बाद में आपको नॉर्मल पानी से धो लेना है, ठीक है। और अच्छे से पूरी स्कैल्प में लगाना है, आप इसे लेंथ में भी लगा सकते हो, पर लगाने के टाइम पे टाइट बहुत हो जाता है बाल, तो इसलिए ध्यान रखना अच्छे से लगाना। और इसे कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट एंड शेयर, वीडियो पसंद आती है। और अप्रैल का रूटीन यहाँ पर फॉलो कीजिए, जिनके पास में पाउडर नहीं है वो दही ऐड कीजिए, और जिनके पास में पाउडर है तो वो पाउडर ऐड कीजिए, ओके बाय।